संस्कृत शब्द से मेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है भीलू। भीलू का अर्थ होता है तीरंदाज, यानी तीर चलाने वाले। भील जाति आदिवासी जाति है, ये भी है जो जंगलों में रहती है, पहाड़ों पर रहती है और पहाड़ों के चारों ओर अपने घर बना करके रहते हैं, और ये तीर चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। पहाड़ी भील को पाल भी कहते हैं और मैदानी भील को बागरी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पहाड़ी भील को क्या कहा जाता है तो पाल भील, मैदानी भील को क्या कहा जाता है तो बागरी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, या फिर ये भी पूछते हैं भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। भील शब्द उत्पत्ति तो द्रविड़ियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहलू या तीरंदाज यानी तीर चलाने वाले। तीर है तो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। संस्कृत भाषा में वीर शब्द का अर्थ होता है वेदना या वध करना, यानी ये लोग पहले प्राचीन काल में जो वीर जनजाति होती थी वो तो सिर्फ शिकार करके अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन धीरे धीरे वीरों ने समूह में रहना शुरू कर दिया, अपना कल्चर को अपना लिया, खेती करने लगे, पशु पालने लगे और स्थायी तो जीवन उन्होंने शुरू कर दिया, एक ही जगह पर जा करके रहने लग गए। संस्कृत में भील शब्द का अर्थ होता है वेदना या वध करना या तीरंदाज हो गया द्राविड़ियन शब्द से। तो दोनों पूछे जा सकते हैं भील शब्द का क्या अर्थ होता है तो आप दोनों लिख सकते हो। इनका निवास क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर और ये दक्षिण पूर्व हिस्से में रहते हैं, जबकि राजस्थान के अलावा ये मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर भी रहते हैं। भारत में मात्र राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के चार राज्यों में भील जनजाति रहती है। ये लोग नाटेकी होते हैं, हाइट में हाइट उनकी छोटी होती है, रंग इनका काला होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है और जबड़ा इनका ये जो जबड़ा होता है थोड़ा बाढ़ निकला हुआ होता है और ये दौड़ने में बहुत तेज होते हैं, फास्ट भागते हैं और सबसे बड़ा छोटे कद के होते हैं। गर्म एरिया में रहते हैं, बहुत गर्मी रहती है इसलिए ये काले होते हैं और बहुत तेज भागने वाले होते हैं। जबड़ा भारी होता है, कांटे कच्चे होते हैं, रंग इनका काला होता है और नाक थोड़ी चौड़ी होती है, ये इनकी शारीरिक बनावट होती है। जबड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ भी होता है, शारीरिक शरीर से थोड़ा शुरू करके तो सुडोल होते हैं, मतलब अष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं, शिकार करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और जंगलों में रहते हैं और किसी तरह से कोई जंगली जानवर से नहीं डरते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं। उसके अलावा आर्थिक क्रिया यानी उनका जीवन का कैसे वो आत्मनिर्भर कैसे हैं, आपके शिकार करके अभी बताया है क्योंकि इनके शब्द का अर्थ होगा तीर चलाना, यानी तीर और धनुष बाण चलाने में बहुत माहिर होते हैं इसलिए शिकार करके जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकला उनकी परिस्थिति में बदलाव आया, अब तो काफी वीर शिक्षित भी हो गए हैं, शहरों के अंदर भी रहने लग गए हैं और शहरों के पास में पहले तो वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ ना हो, अब तो ये पशु भी पालने लग गए और आदिम कृषि है ना, आदिम कृषि भी करने लग गए जो प्राचीन तरीके से की जाती थी। भोजन में इनका मुख्य भोजन होता है मक्खी, मक्खी ये बहुत ही चाव से खाते हैं, इनका मुख्य भोजन मक्खी। और इसके अलावा जब घर में परिवार में कोई फंक्शन विवाह उत्सव होते हैं उस समय ये चावल बनाते हैं जिसे ये चोखा कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं मीठे चावल बनाते हैं उसे ये चोखा कहते हैं और इनको लाख से भी बहुत पसंद होती है और ये छाछ के अंदर मक्की का आटा डाल के राबड़ी भी बनाते हैं और मदिरा है ना, मदिरे का सेवन भी इनका उत्सवों में मतलब ये मदिरा पी करके और पति नृत्य भी करते हैं, जितने जाते हैं जितने भी इनके उत्सव होंगे उन सब में ये मदिरा का सेवन करते हैं। तो इनके भोजन में क्या होगी, मक्की चावल लापसी राबड़ी और मदिरे का सेवन करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या करते हैं, आपके लिए शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं और पशु पालकर आदिम कृषि करते हैं। अब आजकल धीरे धीरे और सभी होते जा रहे हैं और कृषि के अलावा पढ़ लिख करके
गांव के समूह को क्या कहा जाता है? फला। और बड़े गांव के समूह को क्या कहा जाता है? पाल। अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर में कि फला और पाल क्या होते हैं, छोटे गांव के समूह को फला और बड़े गांव के समूह को पाल कहा जाता है। औजार और बर्तन में क्या क्या यूज करते हैं? जैसे अभी बताया नाम से तीर अंदर, यानी तीर चलाने में माहिर होते हैं, तो इनके औजार भी क्या होंगे? सबसे पहले तो धनुष और बाण, उसके बाद तलवार और खंजर, इस तरीके के लिए हथियार रखते हैं ताकि वो अपनी सबसे पहले सुरक्षा कर सके। और जंगलों में जाते हैं तो थोड़ा सा झाड़ियों में प्रकृति प्रेमी होती है, प्रकृति को नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन जो नकली झाड़ियाँ होकर होती हैं उन्हें भी एक तरह गति करनी होती है और घर में लाकर फिर उसे खाना पकाते हैं, जला करके। बाण, तीर और बाण जो है धनुषा दो प्रकार के होता है, हरी और रोग दो, दो प्रकार के बाण होते हैं, हरी और रोग दो। सिर्फ आपको नाम याद रखना है। पूछा जाता है कि बिलों के बाणों के नाम बताइए, तो हरी और रोग दो। फिर आता है पक्षियों को पकड़ने के लिए एक तरह का फंदा रखते हैं, उसी टाइप होती है, उसे ऐसे घुमाते हैं और फेंकते हैं जिससे पक्षी उड़ जाता है और मर जाते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फटकिया है ना, लंबी सी सी होती है, उसे फटकिया कहा जाता है, जिससे ये पक्षियों का भी शिकार करते हैं। संपर्क, जो भीड़ होते हैं जो आठ की दृष्टि से संपन्न होंगे वो लोग बंदूक का भी प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है ये पक्षियों को पकड़ने के लिए कौन सा हथियार काफी मिलते हैं, तो आपको बोलना फटकिया। बाण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, हथियार और रोग दो। औजार में क्या क्या यूज लेते हैं? तो धनुष, बाण, तलवार, खंजर, हथियार और रोग दो। छोटे गांव के समूह को क्या कहते हैं? क्या देखोगे? फला। और बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल। वस्त्र, स्त्री घाघरा चुन्नी और ओढ़नी होती है, जबकि पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। वैसे पुरुष घर में लेके आए तो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत के वस्त्र में ये पहनते हैं। ये लोग मार्केट करते हैं, पशु पालते हैं और आदमी वाली कृषि भी करते हैं। मिट्टी के बर्तन और मक्की पीसने के लिए चक्की का भी प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो, मक्की पीसने के लिए चक्की का उपयोग करते हैं, पत्थर की चक्की बना दी तो ना उसका यूज करते हैं। मिट्टी के बर्तन ज्यादातर बिलों के जमीन मिट्टी के बर्तन होते हैं। और बांस का पालना, बन्ना पालना होता है जो बच्चों को झुलाया जाता है, बांस के पालने बनाते हैं, बांस की टोकरियाँ बनाते हैं, है ना, और काफी चीजें बांस की वो बनाते हैं और उससे करके घरेलू कारण यूज लेते हैं। और एक प्रथा होती है गोल गाठेड़ो, गोल गाठेड़ो एक प्रथा होती है जो साहस के द्वारा, वीरता के द्वारा कोई कार्य करना, फिर मन चाही लड़की के साथ विवाह करना, कोई भी लड़की हो है ना, जो उनको मन पसंद न होगी वो उससे विवाह कर सकता है अगर वो साहस का कार्य दिखाए। फिर होता है कन्या का मूल्य देकर के विवाह करना, यानी कन्या मूल्य देना। कन्या मूल्य क्या होता है? लड़की से विवाह करना और उस लड़की के घर वालों को पैसे दिए जाते हैं, उसका मूल्य चुकाया जाता है, उसके बाद विवाह करना, इस विवाह को दावा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दावा क्या है, तो क्या लिखोगे कि मूल्य देकर के, कन्या का मूल्य देकर के जो विवाह किया जाता है उसे दावा कहते हैं। और ये लोग बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी होते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें बता रखी है कि समाज और कल्चर कैसा होता है इनका। ये लोग वीर पितृ सत्तात्मक, एस्किमो भी पितृ सत्तात्मक, उष्ण भी पितृ सत्तात्मक और वीर जनजाति भी पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक मतलब पिता मुख्य होता है और पिता के नाम से ही परिवार की पहचान होती है। और प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गाँवों में रहते हैं, अलग अलग कुल होते हैं, उनके अलग अलग गांव उनको बना दिए गए हैं। और ये प्रत्येक कुल अपना अपना गांव चिन्ह भी होता है, स्कूल का चिन्ह ये, स्कूल का चिन्ह ये, अलग अलग चिन्ह से अंकित किया जाता है। वीर युवा होंगे या व्रत, पत्नी जरूर होती है, यानी वो बिना पत्नी के नहीं रहता है, चाहे वो कितने बूढ़ा हो जाए, बूढ़े अवस्था वृद्धावस्था में भी वो विवाह करता है अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो पत्नी जरूर होती है, चाहे वो सामान्य विवाह से हो या भाग कर लाई गई हो, बगा करके भी विवाह करते हैं। और समाज से मतलब रजामुक्ति होकर के भी विवाह किया जाता है। इसमें बहु पत्नी प्रथा का भी प्रचलन है, इसका मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां भी रख सकता है। इस कंडीशन में अगर उसकी
यंत्रों उपकरणों की भी पूजा करते हैं, जिस समय खेती करते हैं तो यंत्रों की पूजा करके इसका मतलब पूजा पाठ में भी और जादू होने में भी ये विश्वास करते हैं। और बिलों में बहुत सी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कुछ लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और ये मृतकों का दाह संस्कार भी करते हैं, मृतकों का दाह संस्कार भी ये करते हैं। होली व दीपावली तो महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन इन्हें होली खेलने का सबसे ज्यादा शौक होता है, इसलिए होली सबसे लंबे एक महीने तक ये लोग होली खेलते रहते हैं। होली में माता के गीत भी गाते हैं, घूमर गैरों का मुख्य नृत्य होता है। राजस्थान में सोम जाखम और माही वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर सोम माही और जाखम तीन नदियां जहाँ संगम होता है वहां पर एक भीड़ों का मेला लगता है, जहां पर सभी तरह के भीड़ माही इकट्ठे होकर के कई महीनों तक आनंद उठाते हैं। और सोम माही जाखम नदी जब फिर भी संगम होता है तो बैनेश्वर का मेला भी बढ़ता है, जहाँ पर भीड़ बहुत ही जनवरी फरवरी में लगता है, वहाँ तीन पांच महीनों तक 15-20 दिन तक रह करके उस मेले का आनंद उठाते हैं। और मेला जो जनवरी फरवरी में लगता है ये मेले के शिव की आराधना में लगते हैं, ये आग के चारों ओर नृत्य करते हैं और ये गीत गाते हैं, रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला का भी आनंद लेते हैं। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है, फाइले फाइले घोष कंठ घोष होता है ना, विपत्ति के समय फाइले फाइले एक इनका चिन्ह होता है, वो जाकर के ढोल बजा बजा के बोलते हैं फाइले फाइले, इसका मतलब युद्ध की घोषणा है, कोई विपत्ति आ गई है, कोई कष्ट हो गया है, तो वो सब इकट्ठा होकर के उस संकट का सामना करते हैं। और समस्त पाल का जो मुख्य होता है गमेती वेरी इंपॉर्टेंट, पाल ये तो मैंने बताया था इसे पाल कहते हैं, और पाल का जो मुख्य होता है उसे गमेती कहते हैं, अंदर नहीं करना, पाल के मुख्य को गमेती कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग होली और दिवाली होली को बड़ा ही त्यौहार महत्व मानते हैं और अपनी मजे से ये त्यौहार का आनंद लेते हैं। सामाजिक जीवन में भी मित्र सदात्मक होते हैं और जिन्हें अटक कहा जाता है, भीड़ों में विवाह संबंध स्वयं या गोत्र में अन्य गोत्र में होते हैं, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। भीड़ों के विवाह कार्य में कई प्रकार के जैसे मोर बुंदरिया बालिया अपहरण देवर विवाह विनिमय विवाह सेवा विवाह क्रय विवाह यानी खरीद करके लाना असुर विवाह है ना, ऐसे विवाह अलग अलग तरह के विवाह का भी प्रचलन है, किसी में मूल्य दिया जाता है, किसी में लिया जाता है, किसी में वो लड़की लड़के के लड़का लड़की के घर जाकर के रहता है, आदि रहता है, अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो उसे अपना जवाई बना लेते हैं, अलग अलग तरह के विवाह किए जाते हैं। भीड़ों में गांव की पूजा को गामिती और झाड़ फूक करने वाले को भोपाल, धार्मिक संस्कार को संपन्न करने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं और इसके छोटे गांव को कला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। इसके अलावा ये लोग गौरी